हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच 22 रसोई। आज हम बनाएंगे गुजराती शादियों में बनने वाला मोस्ट फेमस लाइव ढोकला। और आप ये वीडियो में देख ही सकते हैं कि अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं, है ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी देखिएगा बिना स्किप किए, तो आप भी ये सॉफ्ट वाले लाइव ढोकला जो है वो घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो लाइव ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम सारा माप देख लेते हैं, सारी दाल और चावल का माप देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और अब इसमें हम ना एक बड़ा कप भर के, आप कोई भी कटोरी का और इसका माप सेट कर लीजिए और उसी हिसाब से आप चलिएगा, ठीक है। तो एक कप भर के मैंने यहाँ पे कोई भी ब्रांड का चावल लिया है और अब इसमें हम ना एक कप भर के उसी मेजर कप से एक कप भर के मैंने यहाँ पे चना डाल लिए और उसी एक कप से मैंने यहाँ पे सूजी ली है। आप यहाँ पे माप ना अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये जो लाइव ढोकला है ये बनाने में माप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आधा कप भर के मैंने यहाँ पे मूंग डाल ली है और आधा कप भर के हम यहाँ पे पोहा लेंगे और एक चौथाई कप भर के हम यहाँ पे उड़द डाल लेंगे, ठीक है। तो ये सारा माप यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो आप इसी माप के हिसाब से चलिएगा। तो ये फर्स्ट आपके लिए टिप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे माप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी लाइव ढोकला बनाने में। तो इन सबको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हाथों से ही मिक्स करेगा ताकि इवनली चारों ओर अच्छे से मिक्स हो सके। और अब हम क्या करेंगे, मिक्सी जार ले लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा चंक डाल के हम उसे पीस लेंगे। यहाँ पे हमें जो ढोकला का जो मिक्सर है उसे पीसने में हमें यहाँ पे स्मूथ टाइप नहीं पीसना है, हमें थोड़ा सा दरदरा मिक्सर चाहिए, ठीक है, ताकि ढोकला जो है वो सॉफ्ट भी बने। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक बैच जो है वो बनके रेडी, मतलब जो मिक्सर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि आपको इतना दरदरा यहाँ पे मिक्सर को पीसना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी टिप्स है कि यहाँ पे आपको जो मिक्सर है वो अच्छे से दरदरा पीसना है। तो इसी तरीके से हम बाकी का जितना भी मिक्सर बचा है, जितनी भी दाल चावल बचे है ना, उसे हम सेम इसी तरीके से पीस कर रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा जो सारा मिक्सर है वो हमने अच्छे से पीस लिया है, सारे दाल चावल हमने अच्छे से पीस लिए हैं और ये देखिए सारा मिक्सर रेडी हो चुका है। फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ, तो इतना दरदरा यहाँ पे पीसना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ढोकला, जो इंस्टेंट लाइव ढोकला होता है ना उसका एक प्रीमिक्स। अब इस मिक्सर को ना आप फ्रिज में कोई भी जार में कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भर के 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज में इसे स्टोर नहीं कर रहे हैं और बाहर ही स्टोर कर रहे हैं तो आप 2 महीने तक, कम से कम 2 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारा ढोकला का जो प्रीमिक्स है वो रेडी हो चुका है। आप कभी भी इसमें सारे जो मैं आगे माप बताऊंगी वो आप कभी भी ऐड करके इस ढोकले को आप इंस्टेंटली बना सकते हैं घर पे। और आप इसे अपने किड्स को ब्रेकफास्ट के तौर पे या फिर लंच बॉक्स में भी आप इसे बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रेडी कर लिया है और अब इसी में से हम माप लेके आगे ढोकला बनाएंगे। चलिए, तो हमने जो ढोकले का जो प्रीमिक्स बनाया था ना उसमें से मैंने यहाँ पे एक कप भर के वो प्रीमिक्स जो है वो ले लिया है बाउल में। अब एक कप यहाँ पे हमने प्रीमिक्स लिया है ना ढोकले का, तो उसी हिसाब से हम आधा कप भर के यहाँ पे दही डालेंगे। ध्यान रहे ये दही जो है वो हमारा खट्टा होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो सके तो आप खट्टा दही ही लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर चलेगा, ठीक है। तो ये थर्ड टिप्स है आपके लिए कि यहाँ पे आपको ना दही जो है वो खट्टा लेना है। अब उसी कप से हम पानी यहाँ पे ऐड करेंगे। ध्यान रहे ये पानी जो है वो गुनगुना है, ज्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, मतलब वार्म वाटर है। यहाँ पे आपको ना वार्म वाटर का यूज करना है, जिससे क्या होगा ढोकला जो है वो एकदम सॉफ्ट बनेगी आपके। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और इसे हम ना एक मिनट के लिए अच्छे से विस्क करेंगे, यानी कि अच्छे से इसे स्टर करते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि अच्छे से एक एयर बबल्स क्रिएट होगा और ढोकला जो है वो उसका बैटर जो है एकदम सॉफ्ट बनेगा और ढोकला भी हमारा एकदम सॉफ्ट और साइनी साइनी बनेगा। ठीक है, तो बस इसे अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप यही रेशियो मान के चलिएगा कि एक कप प्री मिक्स, तो आधा कप दही और आधा कप पानी। ठीक है, तो अब इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है, देखिए कितना अच्छा मिक्स हो चुका है ना। तो अब इसे हम क्या करेंगे, ढक के अभी एक घंटे के लिए या दो घंटे के लिए आप इसे ढक के साइड में रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम है अच्छा वाला तो आप क्या करें, रात में ही इसे इसी तरीके से भिगो के रख दीजिए, ताकि सुबह में जब अच्छे से एक फर्मेंट हो जाए तो आपका ढोकला और ज़्यादा सॉफ्ट बने। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ये इंस्टेंट वाला ढोकला है, तो हम इसे एक घंटे या दो घंटे के लिए ढक के रख देंगे। तो एक दो घंटे के बाद ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब ये थोड़ा सा हार्ड भी बन चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा और गुनगुना यानी कि वार्म वाटर थोड़ा सा ऐड करेंगे और उसे जो डोसा का जो बैटर कैसा होता है ना, वैसी वाली कंसिस्टेंसी हम ये बैटर की बना लेंगे। तो अब इसमें हम अपना पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये बैटर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे अब क्या करेंगे, हम साइड में रखेंगे, मतलब सारे मसाले इसमें करेंगे लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें हम ढोकला को स्टीम करने वाले हैं ना, वो बॉयलर जो है उसे सबसे पहले हम गैस पे चढ़ा लेते हैं, ताकि क्या होगा कि उसमें पानी जो है वो गर्म होगा और वो गर्म होगा उसी दरमियान हम इसमें सारे मसाले डालेंगे और बाद में इसे फटाफट से हम लाइव ढोकला बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये बॉयलर जो है वो हमने अच्छे से स्टीम होने यानी कि बॉयल होने रख दिया है। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ में जिस प्लेट में हम ढोकला को डालने वाले हैं, मतलब स्टीम करने वाले हैं, उसी प्लेट को भी हम अच्छे से एक बार तेल से चारों ओर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें बैटर जो है हमारा उसमें मसाले कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी यानी कि 1/4 चम्मच भर के यहाँ पे हल्दी डाली है, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और उसी के साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी मिर्च जो है वो कूट कर डाली है। यहाँ पे अदरक और मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से डालेगा, आपको जितना पसंद है उतना डालेगा। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स, यानी कि यहाँ पे हमें एक बड़ा चम्मच भर के यहाँ पे ऑयल डालना ही डालना है। ठीक है, क्योंकि ऑयल से क्या होगा कि ढोकला जो है वो एकदम सॉफ्ट भी बनेगा और थोड़ा सा साइनी भी बनेगा, यानी कि देखने में भी अच्छा लगेगा और सॉफ्ट तो बनेगा ही। ठीक है, अब इन सबको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, एक मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। ठीक है, ताकि एकदम सॉफ्ट बने और रिजल्ट भी जो है वो हमारा लाइव ढोकला का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा मिले, है ना। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है रेडी हो चुका है और आपको इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो शादियों में जो लाइव ढोकला बनता है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि सारे बैटर में वो फर्मेंट यानी कि सारे बैटर में वो बेकिंग सोडा नहीं डाल देते। ठीक है, तो हमें जितनी बैच यानी कि एक प्लेट जो हमें स्टीम करना है ना, उतना हम एक बाउल में ले लेंगे, 2 से 3 बड़े चम्मच। और अब इसमें हम ना आधी चम्मच भर के यहाँ पे हम बेकिंग सोडा या फिर आपके पास जो इनो का सेसेट होता है ना, उसमें से आधा सेसेट आप यहाँ पे इनो डाल दीजिए। ठीक है, और उसके ऊपर 1 चम्मच भर के आप पानी डाल दीजिए, ताकि वो अच्छे से बुलबुले ऊपर आ जाए इनो के ऊपर, अच्छे से सॉफ्ट ढोकला जो है बनने में वो हेल्प करे। ठीक है, अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये जो व्हाइट व्हाइट आपको बबल्स दिख रहे हैं ना, वो अच्छे से मिक्स एंड मैच नहीं हो जाते ना, तब तक इसे हम स्टर करेंगे। और साथ ही साथ में हमारा जो पानी है, मतलब जो बॉयलर है, वो तो अच्छे से गर्म हो ही रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी प्रोसेस जो है वो हमें साथ में करनी थी। ठीक है, तो अब हमने जो प्लेट जो है वो तेल से ग्रीस करके रखी थी ना, उसमें ये बैटर हम डाल देंगे। हमेशा ध्यान रहे, ये जो लाइव ढोकला है ना वो हमेशा पतला रहता है। ठीक है, मोटा मोटा मत बनाइएगा, वरना ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपके लिए एक 5th आपके लिए एक टिप्स है। थाली में यानी कि प्लेट में इसे अच्छे से फैला दिया है और अब इसके ऊपर हम ना थोड़ा सा मरी पाउडर डाल देंगे, यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल देंगे। और अब ये जाएगा सीधा स्टीम करने, यानी कि स्टीम होने के लिए।
तो ये देखिए बॉयलर जो हमने रखा था ना उसमें भी पानी अच्छे से गर्म हो चुका है ना। तो अब ये प्लेट हम ध्यान से रख देंगे इसके अंदर और इसे 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉइल होने देंगे, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद ढोकला जो है वो हमारा ऑलमोस्ट, ये देखिए सारे एयर है वो बाहर निकल रही है, मतलब हमारा ढोकला जो है वो रेडी हो चुका है। तो मैं आपको नाइफ डाल के भी हम चेक कर लेते हैं कि ये ढोकला हो चुका है कि नहीं, चारों ओर से चेक करना है, ठीक है। तो ये देखिए ढोकला जो है वो हमारा रेडी भी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे बॉयलर में से बाहर निकालेंगे और दूसरी प्लेट जो थी ना उसे भी हम स्टीम करने रख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट को ना 2 मिनट के लिए इसे हमें ना अच्छे से सेट होने के लिए रख देना है, अभी इसे कट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इस प्लेट के ऊपर यानी कि इस ढोकले के ऊपर अच्छे से तेल को इसी तरीके से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और फिर उसे 2-3 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब देखिए 2-3 मिनट हो चुकी है तो अब इसे हम ना कट कर लेते हैं। मैंने आगे भी ऐसे ढोकला की, नायलॉन खमन की, सूजी के ढोकला की, सूजी और बेसन के ढोकला की, ऐसी कई सारे मैंने ढोकला की रेसिपी डाली हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक करिएगा, आप वो भी रेसिपी घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं। और अब अगर आपका ये ढोकला बहुत ही अच्छा बनता है तो आप ये रेसिपी अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ढोकला बना है ना, और निकालने पर ही भी ये देखिए कितने अच्छे से ये निकल रहा है और सॉफ्ट, तो देखिए कि कितना सॉफ्ट बना है ना, ये देखिए। ये मैं आपको दूसरा पीस भी दिखा देती हूँ। तो ये सारी प्लेट मतलब सारा जो भी हमने लाइव ढोकला बनाया है ना सबके सब बहुत ही अच्छा बना है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बाकी के बैटर में से भी लाइव ढोकला बना सकते हैं। अगर आप 1 कप से ढोकला बना रहे हैं ना तो लगभग 3 प्लेट जितना आपका ढोकला रेडी हो जाएगा, तो आप ये ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हैं। ये देखिए ये दूसरी प्लेट है, उसे भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ना। तो आप इसे कोई भी ग्रीन चटनी है, केचप है, चाय के साथ भी इसे आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।